अगली खबर है देवास से। शुक्रवारिया हाट से शनिवार को कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चाकू बेचने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीएसपी विवेक सिंह चौहान ने बताया कि शहर में हुई चाकूबाजी की घटनाओं में आरोपियों से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया था कि फेरी वालों से चाकू खरीदे गए हैं, जिसके बाद हमने मुखबिर की सूचना पर इन चाकू बेचने वाले आरोपियों को आज गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। आरोपी के नाम भोजराज और अजय परमार है। सर, क्या किन आरोपियों को पकड़ा है, क्या कुछ उनके पास से सामग्री जब्त हुई है और कितने जो बड़ा अपराध है ये जो कर रहे थे? ये पिछले दिनों में कुछ चाकूबाजी की घटनाओं के संबंध में शिकायत मिली थी, तो जो जो आरोपी पुलिस ने ऐसे पकड़े थे उन लोगों का कहना था कि हम लोगों ने रास्ते में मार्केट में फेरी वालों से इस प्रकार का हथियार प्राप्त किया है, तो इस तर्जन में जो है पुलिस द्वारा मुखबिरी लगाकर और अपना जो है सूचना संकलन बनाया गया था, जिसमें आज पुलिस को सूचना मिली कि दो व्यक्ति जो है इस प्रकार से धारदार हथियार बिक्री करने के लिए लाए हुए हैं और अपने सकवारिया हाट क्षेत्र में बिक्री कर रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी करके जब दोनों को पकड़ा तो पाया कि एक आरोपी 13 धारदार हथियार चाकू जो है, जिसके फल की लंबाई 10 और 12 इंच से ज़्यादा है, और एक आरोपी जिसके पास 11 ऐसे धारदार हथियार मिले, दोनों जो है फेरी लगा के इस प्रकार के हथियार बेच रहे थे, जो निश्चित रूप से संगी था और अन्य अपराधियों के हाथ में पड़ के अपराध का कारण भी बनता। तो इस प्रकार से एक बड़ी सफलता है और इकट्ठे इन दोनों आरोपियों से 24 धारदार हथियार जब्त किए गए हैं और निश्चित रूप से हम इसमें पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आरोपी ये कहाँ से लेके आते हैं और ये इस प्रकार से कहाँ कहाँ बिक्री करते रहे, इस बारे में हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। दोनों के विरुद्ध 25 आर्म सेट में अपराध दर्ज किया गया है और पूछताछ करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। क्या इनका रिकॉर्ड भी सर पुराना खंगाला जाएगा, कहीं अपराधी पुराना रिकॉर्ड पाया है, पुराना रिकॉर्ड पाया जाता तो वैसी कार्रवाई की जाएगी, और अभी जो है 25 आर्म सेट का दर्ज किया गया। आरोपियों के नाम, एक आरोपी भोजराज देशमुख है और दूसरा अजय परमार है, दोनों यहाँ देवास शहर के ही रहने वाले हैं और अभी तो प्राथमिक तौर पे लोग इंदौर से हथियार लाना बता रहे हैं। ठीक।